जैसे कंस ने असंभव प्रयास किए भगवान कृष्ण के खिलाफ, वैसे ही आपके नेताओं के खिलाफ बीजेपी कोशिश कर रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा, सुने। भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी एक शख्स को अपनी चुनौती समझती है वो है अरविंद केजरीवाल। जैसे कंस को यह मालूम था, से पता था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ही उनका पतन करेंगे, उनका अंत करेंगे, ऐसे ही भाजपा भली भांति ये बात जानती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों ही बीजेपी का काल होगा, बीजेपी की राजनीति समाप्त होगी, बीजेपी चुनावी रण के मैदान में चुनाव हारेगी। ठीक उसी तरह जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन्म के उपरांत उन्हें हानि पहुंचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी पढ़ी, कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे डालो, उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसा के रखो, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप करो, सरकारों में हस्तक्षेप करो। ये सारे प्रकरण का बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दाव जो भाजपा चलने जा रही है वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बीजेपी को ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में हम गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा को ये कहना चाहता हूं कि हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर ये अपील करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दे और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है।